मैं मिलाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स जो मनीष कश्यप का दोस्त है बचपन का, वो है चंदन उपाध्याय जी। तो चंदन उपाध्याय जी, जो आपको मनीष कश्यप पर एनएसए लग गया है, इस पर क्या बोलने गया? क्या कहे, एनएसए तो ऐसा धारा है कि कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, एनएसए नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसका कारण है एनएसए लगने का जी। तो इंजीनियर बनाए थे, इंजीनियर बन के कुछ अच्छा करना था ना, पूरा का पूरा देश ही नहीं बदल देना था और खुद जेल चल के देशद्रोही का धारा लगवा लेना था। कहीं ना कहीं एक पिता जो आर्मी में है उसके बेटे पे देशद्रोह का मुकदमा लग गया, कितना शर्म का बात है। चाहे वो मुकदमा झूठा हो या सच्चा हो, फिलहाल तो लगा है ना। इनके समर्थकों ने इनको बर्बाद कर दिया गलत सलत न्यूज चला के। तमिलनाडु पुलिस जिस दिन इनको 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा था, उसके सुबह में ये लोग खबर चला दिए कि मेरा शेर आ रहा है। तमिलनाडु कोर्ट ने जो है पूरा केस खारिज कर दिया। अब मेरा शेर आएगा, तेजस्वी को उखाड़ के फेंक देगा, लालू को ये कर देगा, उसका ये बजा देगा, उसका बैंड बजा देगा। बचपन के साथी मानिए या पड़ोसी मानिए, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हम लोग जिसका साथ देंगे वो गलत कैसे होता है? भावनाएं बढ़ते गया, घमंड थोड़ा सा आते गया, गलत लोगों से संगत होते गया, ख्वाहिशें बढ़ता गया, गर्क में चले गए। धीरे धीरे उड़ाई उड़ने वाला व्यक्ति जो है ना उड़ते चला जाता है, अगला ऊपर बढ़ते गया, बगल का सीढ़ी तोड़ते गया, आदमी भूल जाता है कि जिस सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं वहीं से नीचे आना रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार। आज मैं मिलाने जा रहा हूं ऐसे शख्स जो मनीष कश्यप का दोस्त है बचपन का, वो है चंदन उपाध्याय जी। तो चंदन उपाध्याय जी, जो आपको मनीष कश्यप पर एनएसए लग गया है, इस पर क्या बोलने गया? क्या कहे, एनएसए तो ऐसा धारा है कि कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, एनएसए नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसका कारण है एनएसए लगने का जी। जरूरत से ज्यादा जब आप समाज में उधम आप मचाइएगा या आपके समर्थक मचाएंगे तो वो आप ही पे लागू होता है। आपका ये फर्ज बनता है कि आपके अपने समर्थकों को संभाल के रखे, कंट्रोल में रखे, क्योंकि आप अंदर हैं तो जाहिर सी बात है आपका जेल से मैसेज बाहर भी आता होगा। गलत खबर चलाने की वजह से सरकार कहीं ना कहीं, जो ये लोग कह रहे हैं कि सरकार बदले के भावना से कार्रवाई कर रहा है, फिर सरकार के बारे में आप लगातार अफवाह उड़ाते जा रहे हैं। इन लोगों ने कोर्ट पे ही आरोप लगा दिया कि कोर्ट ने मनीष का पक्षपात किया है। ध्यान से समझिएगा, मदुरई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगा दिया है। जो तमिलनाडु पुलिस 5 दिन यहाँ पे रह के इंतजार करके कोर्ट से परमिशन लेके तमिलनाडु गया था, उस पे ये लोग करारा तमाचा मार दिए। अच्छा। कहीं ना कहीं ये सब चीजें लोग देखता है कि आपके समर्थक क्या कर रहे हैं और आप निकल के क्या करने वाले हैं। तो जब किसी आरोपी को कस्टडी में लिया जाता है, माहौल शांत होने दिया जाता है, तब उसको जमानत दे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। मतलब आपको कहना है कि पुलिस और कोर्ट मैंने पक्षपात नहीं किया है? नहीं, आपको एक बात बताइए, हाँ। पुलिस और कोर्ट पक्षपात जब करने लगेगा तो फिर समाज में सुरक्षित कौन रहेगा? ऐसा तो आपको सभी जैसे देख सकते हैं कि आज का डेट में जैसे है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा हो गया है कि आपको एक आवाज बोलने से आपको तुरंत आपको सदस्यता रद्द कर दिया जाता है। क्यों रद्द? हम क्यों राहुल गांधी का सदस्यता रद्द कर दिया? सदस्य उनको कोर्ट ने पहले सजा सुनाया है, उसके बाद सदस्यता रद्द किया गया है। अगर अपने मनमानी से सदस्यता रद्द करना रहता तो जब वो बोले थे उसी समय रद्द हो जाता। लेकिन सबके ऊपर कोर्ट है, आप मानते हैं ना, सबके ऊपर कोर्ट है। हम भी इतना बोल रहे हैं, मेरे पे क्यों नहीं मुकदमा हो जा रहा है? जब हम कोर्ट संविधान से बाहर जाके बोलेंगे तो मुकदमा होगा। इसका सबका दायरा बनाया हुआ है। बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में, इनके समर्थकों ने इनको बर्बाद कर दिया गलत सलत न्यूज चला के। तमिलनाडु पुलिस जिस दिन इनको 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा था, उसके सुबह में ये लोग खबर चला दिए कि मेरा शेर आ रहा है। तमिलनाडु कोर्ट ने जो है पूरा केस खारिज कर दिया। अब मेरा शेर आएगा, तेजस्वी को उखाड़ के फेंक देगा, लालू को ये कर देगा, उसका ये बजा देगा, उसका बैंड बजा देगा, तो क्या करेगा भाई? मतलब आपको कहना है कि समर्थकों ने ही आपको बढ़ाया है। अच्छा। समर्थकों का काम है कि चुपचाप पहले उसको बाहर, मेरे रीजन में भी मनीष जेल गया था। अच्छा। उसके वकील ने साफ बोला था सोशल मीडिया पे किसी तरह का उत्पात नहीं करना है, कोई समर्थन नहीं करना है, छूट जाएगा आप नाचते रहिए। लेकिन लोगों ने तो बोला जा रहा है कि जो गरीब को आवाज उठाते थे, अच्छे काम करते थे। 10 यूट्यूबर उसके लिए रोज वीडियो बना दे रहा है, तो क्या वो छूट जा रहा है का? गरीबों का भला हो जा रहा है? उसका समस्या बढ़ते जा रहा है। जो असली समर्थक है, जो असली दोस्त है, जो असली पड़ोसी है, उसको दुख है कहीं ना कहीं। ये लोग का मजा हिजड़ों का तरह ताली बजा रहा है, मनीष अच्छा है, मनीष के साथ प्रताड़ना हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, बस वीडियो बना दिए, 50 मिलियन व्यूज आ गया, पैसा आ गया, मनीष छूटे ना छूटे कोई मतलब नहीं है। कोई यूट्यूबर गया है उसके घर? मतलब मन में राम बगल में छुरी, मतलब अंदर से कुछ बाहर से कुछ और गया है उनके माँ के पास। कोई भी यूट्यूबर बड़ा बड़ा जो दिन भर में 4 को वीडियो बना रहा है, उनके घर कभी गया है? कुछ नहीं गया है। उसका खून बेच के पैसा ही लोग कमा रहा है, उसके नाम से पैसा कमा रहा है। ये लोग नहीं चाहता है कि वो छूटे। अच्छा, छूट के बाहर आ जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगा। ये लोग वीडियो किस पे बनाएगा? फिर धूप में निकल के वीडियो बनाना पड़ेगा। बैठे बैठा है मनीष पैसा दे रहा है सब किसी को, जेल में बंद हो जाने की वजह से, तो लोग क्यों चाहेगा कि छूटे? हमको थोड़े टीआरपी चाहिए, हम मीडिया थोड़े हैं,
कि हम विरोध कर रहे हैं, हम विरोध करते थे चंपारण के कुछ थोड़ा बहुत मुद्दा पे, अभी तो एनएसए लगवा दिया, ये लोग समर्थन कीजिए समर्थन कीजिए। अरे जब मेरे समर्थन करने की वजह से वो ऑलरेडी फंसते जा रहा है तो क्यों समर्थन करें, क्यों समर्थन करें? और जो बचपन में बचपन से कैसे थे, बचपन नहीं बचपन का हम दोस्त नहीं पड़ोसी, देखिए पड़ोसी है एक ही जगह घर है, एक ही जगह, तो बचपन के ही साथी मानिए या पड़ोसी मानिए, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हम लोग जिसका साथ देंगे वो गलत कैसे होता है? भावनाएं बढ़ते गया, घमंड थोड़ा सा आते गया, गलत लोगों से संगत होते गया, ख्वाहिशें बढ़ता गया, गर्क में चले गए, धीरे धीरे उड़ाई उड़ने वाला व्यक्ति जो है ना उड़ते चला जाता है, अगला ऊपर बढ़ते गया, बगल का सीढ़ी तोड़ते गया, आदमी भूल जाता है कि जिस सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं वही से नीचे आना रहता है। ऐसा भी उन पर आरोप लग रहा है कि वीडियो पर पैसा ले लेकर ऐसे आपको बनाते थे वीडियो, सब कोई करता है, सब कोई कोई दूध का धुला हुआ है, मतलब सब सब यूट्यूब पर पैसा लेते लेते होंगे, एकदम लेते होंगे। पॉपुलैरिटी जब बनाए हैं तो किस काम के लिए बनाया, पैसे कमाने के लिए ना है? हर चीज के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है पैसा, कोई समाज सेवा का भावना किसी का नहीं है, जितना लोग भी काम कर रहा है सब पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। वो तो बोलते थे कि मैं एक रुपया नहीं आपको मैं जनता से लेता हूँ, सिर्फ हम सच को दिखा, कोई कहेगा कि हम पैसा लेते हैं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वजह से थोड़े ले रहे हैं, वीडियो चलेगा कुछ पैसा आएगा, लोग में नाम नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, चैनल आगे बढ़ेगा। एक माँ अपने बेटे को दूध भी पिलाती है उसके पीछे स्वार्थ छुपा होता है कि बड़ा होकर मेरा सेवा करेगा, वरना बिना स्वार्थ का दुनिया नहीं चलता है भैया। अच्छा अच्छा बातें लिख देने से देश नहीं बदलता है, वीडियो बनाने से बिहार नहीं बदलता है। ज्यादा एक्साइटेड होइएगा तो केस होगा, समर्थकों पे केस लगातार होते जा रहा है, होते जा रहा है, उनके परिवार वालों भी हम पे खुश होते हैं कि हम ऐसा वीडियो बना के समझाते हैं, लेकिन ये आई सपोर्ट यू लिखने वाले जिनको स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है ढंग से, वो लोग ऐसा ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि उन पे केस हो जा रहा है, तो क्या कहिएगा? केस हो जाएगा, जिंदगी में कभी नौकरी का मुंह नहीं देखेंगे, फिर सरकार को गाली देंगे कि हमको तो रोजगारें नहीं दे रहा है। अच्छा इस बात पर जब सपोर्ट में जैसे माँ के तो आपको इंटरव्यू में देखा हूँ, लेकिन पिताजी आज तक नहीं मैं देखा हूं। पिताजी मना शुरू से मना करते, पिताजी भाई सब पिताजी इंजीनियर बनाए थे ना, पिताजी तो इंजीनियर बनाए थे, इंजीनियर बन के कुछ अच्छा करना था ना, पूरा का पूरा देश से नहीं बदल देना था और खुद जेल चल के देशद्रोही का धारा लगवा लेना था। कहीं ना कहीं एक पिता जो आर्मी में है उसके बेटे पे देशद्रोह का मुकदमा लग गया, कितना शर्म का बात है, चाहे वो मुकदमा झूठा हो या सच्चा हो, फिलहाल तो लगा है ना, एकदम बरी होके निकलिएगा तो लोग भूल जाता है कि आप बरी होके निकले, लेकिन लग गया तो लग गया। जो यूट्यूबर दिन रात उनके चलते जो रोटी सेक रहे हैं, जो इस पर दिन भर जो बोली बोलते हैं कि हाँ भाई निकल रहे हैं ये सब हो रहे हैं, मतलब वो कुछ बोल देते हैं कि मेरा व्यूज आ जाए, उनको जानकारी से कोई मतलब नहीं है, दो चार गुड़ा पे केस होगा, ये लोग भी सुधर जाएगा। मनीष का नाम बेच रहा है सब, मनीष को मुसीबत में डाल के पैसा कमा रहा है सब, मनीष से हमदर्दी नहीं है, मनीष से हमारे दिल में हमदर्दी है, मनीष के एनएसए लगाया था, हमारे शहर का गांव का लोग दुखी है, उसके गांव का लोग दुखी है, सच में ये धारा कहीं से लीगल नहीं बनता है, लेकिन ये उत्पात करने की वजह से लगा है। देख सकते हैं दोस्तों मेरे साथ चंदन उपाध्याय जी थे, जो बोल रहे हैं कि मेरे ये जो लीगल आपको लगा है वो आपको कहीं से आपको आरोप सिद्ध होता है तो आपको सही में आपको ये गलत है तो इसी वजह से आपको उनको ये आपको धारा लगा है। तो ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आरबीएन हिंदुस्तान को लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।